हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन नागर। तो आज मुझे अपना फेस दिखाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे आज ही यूट्यूब की तरफ से मेल आया था कि जो भी चैनल का क्रिएटर होता है उसके अपने व्यूवर्स को, जो कि मेरा चैनल डेली विजिट करते हैं, तो उनको अपना फेस दिखाना मस्ट है। तो इसीलिए हमने आज अपना फेस दिखा दिया और आगे भी दिखाते रहेंगे। तो देखिए, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है जिसमें हम आगे वीडियो में बात करेंगे वो होगा हमारा पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के बारे में। तो देखिए, इसका हम सारा का सारा देखेंगे आगे वीडियो में। तो देखिए, हमारे चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसका नाम है आर ट्रायंगल ऑफ बॉडी। मतलब क्या है कि आपको ह्यूमन बॉडी के अंदर जितना भी ट्रायंगल, मतलब जहाँ भी आपको ट्रायंगल वर्ड मिले ना, तो वो सारा का सारा मिलेगा आपको इस प्लेलिस्ट में, जिससे कि हम बॉडी के सारे ट्रायंगल्स को एक साथ कवर कर लेंगे। भले से वो ट्रायंगल कोई सा भी हो, गैस्ट्रिक ट्रायंगल हो, कैलॉक्स ट्रायंगल हो, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक हो, या फिर सब ओसिपिटल ट्रायंगल हो, मतलब जहाँ भी फीमोलर ट्रायंगल हो, जो भी ट्रायंगल मिलेगा आपको बॉडी में, वो सब का सब मिलेगा आल ट्रायंगल ऑफ बॉडी में, हमारी जो कि प्लेलिस्ट है। तो आगे वीडियो देखिए पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की। थैंक यू। तो आज का टॉपिक है हमारा पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। तो देखिए, हमारे चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट का नाम है आल ट्रायंगल ऑफ बॉडी। मतलब क्या कि बॉडी के अंदर जितने भी ट्रायंगल होते हैं ना, जैसे कि गैस्ट्रिक ट्रायंगल, सबक्लेवियन ट्रायंगल, ओसिपिटल ट्रायंगल, उसके अलावा गैस्ट्रिक ट्रायंगल, सब ओसिपिटल हो गया, एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, मतलब आपको कैलॉट्स ट्रायंगल होता है एक, मतलब आपको ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी ट्रायंगल मिलते हैं वो सारे के सारे ट्रायंगल्स हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं और उस प्लेलिस्ट का नाम है आर ट्रायंगल ऑफ नेक। तो देखिए, आप वहाँ जाके सारे ट्रायंगल्स को एक साथ पढ़िए ताकि आपको आगे कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, मतलब कि एग्जामिनर कुछ भी इधर उधर, इधर का मैटर इधर लगा दे तो आप उसमें कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो देखिए, अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के बारे में। ओके, तो देखिए, वही अभी इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि पोस्टीरियर ट्रायंगल की बाउंड्रीज कौन कौन सी मसल बनाती है और इसका फ्लोर कौन कौन सी मसल बनाती है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं। सबसे पहले हम यहाँ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये वाली मसल ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज ट्रेपीजियस मसल। ओके, तो यहाँ पे मैं ट्रेपीजियस ड्रॉ करूँगा अभी। तो ये मसल हुई ट्रेपीजियस। आपको पता होगा कि स्टर्नोक्लूडोमैस्टॉइड नेक की बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है। आपको इस स्टर्नोक्लूडोमैस्टॉइड का सब कुछ याद करना है, इसका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, उसी के साथ साथ इसके क्लिनिकल फीचर्स। ओके, तो स्टर्नोक्लूडोमैस्टॉइड, दिस इज द इम्पोर्टेंट मसल ऑफ नेक रीजन। देखिए, जो मैं ये वाली मसल ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज स्टर्नोक्लूडोमैस्टॉइड। नाम से पता लग रहा है कि ये स्टर्नो मतलब स्टर्नम, क्लीडो मतलब क्लेविकल, और ऊपर क्या होगा, मैस्टॉइड प्रोसेस। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा है। तो यहाँ बनाऊंगा, दिस इज स्टर्नम। ओके, अभी बताते हैं। तो देखिए, दिस इज द मैन्यूब्रियम पार्ट ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम के तीन पार्ट होते हैं ना, देखिए हम ये लेटरल व्यू देख रहे हैं। ओके, ये क्या है, दिस इज क्लेविकल बोन। तो ये हो गई हमारी क्लेविकल बोन। ओके, अब देखिए ये क्या है, हम लेटरल व्यू है, ये क्या है, मैन्यूब्रियम पार्ट ऑफ स्टर्नम। नीचे क्या होता है, नीचे होगा बॉडी पार्ट ऑफ स्टर्नम, उसके बाद उसके नीचे क्या होगा, उसके नीचे होगा हमारा जिफोइड पार्ट ऑफ स्टर्नम। ओके, तो देखिए ये मसल है स्टर्नोक्लूडोमैस्टॉइड, दिस इज ट्रेपीजियस। ओके, और ये है हमारी सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन। देखिए, अभी सारों की नेमिंग हम करेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा कलर कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो जो ये वाली पूरी की पूरी मसल है यहाँ पे, दिस इज स्टर्नोक्लिडोमैस्टॉइड, सॉरी नॉट दिस इज ट्रेपीजियस। दिस इज द बैक रीजन मसल, मतलब बैक साइड होती है। तो ये है स्टर्नोक्लिडोमैस्टॉइड, और जो ये आगे की साइड, सॉरी ये है ट्रेपीजियस, और जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज स्टर्नोक्लिडोमैस्टॉइड। ओके, तो ये हो गई हमारी स्टर्नोक्लूडोमैस्टॉइड। देखिए, इनकी नेमिंग भी कर देते हैं, बहुत ही सिंपल सी है। तो ये हुई हमारी स्टर्नोक्लूडोमैस्टॉइड मसल।
दिस इज स्टर्नो क्लिडो मैस्टोइड मसल और दिस इज ट्रेपीजियस। और नीचे क्या है, दिस इज क्लेविकल और दिस इज मैनुब्रियम पार्ट ऑफ स्टर्नम। तो देखिए एक आपको इन दोनों मसल और क्लेविकल इन तीनों के बीच एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। ओके, तो एक मसल ये हो गई, एक मसल ये हो गई, दो और एक नीचे हो गई क्लेविकल। तो देखिए स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड ट्रेपीजियस और क्लेविकल इन तीनों के बीच जो एक ट्रायंगल है इसे ही बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। तो हमारा ये पूरा का पूरा डायग्राम हो गया। देखिए अब हम थोड़ी नेमिंग करते हैं। तो देखिए ये ट्रायंगल है, इसकी एंटीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड। तो एएनटी मतलब एंटीरियर बाउंड्री बना रहा है, ये एंटीरियर बाउंड्री बना रही है स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड मसल। इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बना रही है, बाउंड्री, तो ये बना रही है हमारी ट्रेपीजियस। और नीचे क्या है, बेस, ये एपेक्स होगा। एपेक्स क्या होता है, पॉइंटेड होता है। तो देखिए दिस इज एपेक्स, ये है एपेक्स और नीचे क्या है, दिस इज द बेस। तो ये हो गया बेस। ओके, तो मैंने ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, ये क्या है, दिस इज सुपीरियर न्यूकल लाइन। ओके, तो दिस इज सुपीरियर न्यूकल लाइन। सुपीरियर न्यूकल लाइन ये क्या चीज़ है, देखिए अगर आप ऑसिपिटल बोन पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं आप सुपीरियर न्यूकल लाइन, इन्फीरियर न्यूकल लाइन, मतलब क्या, ये बोन के ऊपर होती है। लाइन क्यों बोला, क्योंकि इनसे मसल्स अटैच होती हैं। तो दिस इज सुपीरियर और सुपीरियर न्यूकल लाइन से बेसिकली क्या क्या अटैच होती है, इससे अटैच होती है हमारी ट्रेपीजियस मसल, इसीलिए मैंने यहाँ पे सुपीरियर न्यूकल लाइन को शो किया हुआ है। तो दिस इज सुपीरियर न्यूकल लाइन ओके। तो देखिए एपेक्स कहाँ होता है, एपेक्स होता है सुपीरियर न्यूकल लाइन के पास, मतलब सुपीरियर न्यूकल लाइन जहाँ होती है वहीं एपेक्स मिलेगा, और जहाँ पे ट्रेपीजियस और स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड दोनों के दोनों आके मीट कर रही है। ओके, तो ये हो गया एपेक्स। बेस क्या बना रही है, बेस बना रहा है इसका मिडिल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल, पूरी क्लेविकल नहीं बना रही है, मिडिल वन थर्ड। ओके, मिडिल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल ये बना रही है बेस ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल। तो देखिए मिडिल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल ये बना रही है बेस। उसके बाद देखिए आपको पता होगा जो स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड मसल है उसके बेसिकली यहाँ पे दो एंड होते हैं, तभी तो बोला स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड, स्टर्नो मतलब स्टर्नम। तो ये क्या है, दिस इज द मैनुब्रियम, मैनुब्रियम पार्ट ऑफ स्टर्नम। एक होता है क्लिडो, क्लिडो मतलब क्लेविकल। तो देखिए इसका जो ये एक एंड है ये वाला, ये भी किसका एंड है, नीचे की तरफ दो एंड होते हैं इसके, एक स्टर्नम से अटैच होगा एक क्लेविकल से अटैच होगा। ओके, तो ये दो एंड बता दिए हमने। ओके, तो स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड हो गई। तो इसके बाद देखिए हम बात करेंगे इसमें फ्लोर की। तो देखिए बॉर्डर तो हो गए ना, जैसे ये वाला एंटीरियर बनाएगा, ये वाला पोस्टीरियर बनाएगा, एपेक्स की बात कर ली और फ्लोर की बात कर ली। अब आते हैं हम इसके फ्लोर पे कि फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल बेसिकली इसे बनाती है चार मसल्स, 1 2 3 4, ये चारों मसल मिलके बनाएगी फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल। अब देखिए इन चारों मसल्स की हम नेमिंग कर देते हैं कि मसल्स कौन कौन सी है। तो ये एक मसल मैंने ऊपर ड्रॉ की है, उसके बाद सेकंड मसल मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ की है, नंबर टू मसल, उसके बाद दिस इज नंबर थ्री मसल। ओके, और इसके बाद ये होगी नीचे हमारी, दिस इज नंबर फोर मसल। ओके, तो ये चारों मसल्स बना रही है फ्लोर। अब इन चारों मसल्स की नेमिंग कर देते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर वाली मसल है हमारे पास सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस, सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस। जो सेकंड मसल है इसका नाम है स्प्लीनियस कैपिटिस, दिस इज स्प्लीनियस कैपिटिस। नंबर थर्ड मसल का नाम है हमारे पास लिवेटर स्कैपुलाई, लिवेटर स्कैपुलाई। और जो नंबर फोर्थ मसल है इसको भी मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखिए इस मसल का नाम मैं ऊपर लिख रहा हूँ ताकि हम सारा का सारा फ्लोर एक साथ लिख सके। तो जो ये नीचे वाली मसल है इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसका नाम है
स्क्लेनी मीडियस, स्केलनस मीडियस। ओके, तो ये चारों के चारों मसल क्या बना रही है? फ्लोर। ओके, तो अब हम इनको लिख देते हैं। तो ये चारों मसल बना रही है फ्लोर। ओके, फ्लोर। ओके, तो देखिए एक बार थोड़ा स्पीडली देख लेते हैं। अब देखिए स्टर्नोक्लूडोमेस्टोइड, इसका पोस्टीरियर बॉर्डर एंटीरियर साइड है स्टर्नोक्लूडोमेस्टोइड, बट स्टर्नोक्लूडोमेस्टोइड का भी इसका पोस्टीरियर बॉर्डर, मतलब ये वाला बॉर्डर, ये क्या बना रहा है? एंटीरियर बाउंड्री ऑफ, या फिर एंटीरियर बॉर्डर ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल। देखिए ये क्या है, दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल। तो हमारा जो पोस्टीरियर ट्राइंगल है उसका पोस्टीरियर बॉर्डर कौन बना रही है? ट्रेपीजियस मसल का एंटीरियर बॉर्डर। तो ट्रेपीजियस मसल का भी कौन सा बॉर्डर? एंटीरियर बॉर्डर। इसका मसल का नाम क्या है? दिस इज ट्रेपीजियस। ओके, और इस मसल का नाम क्या है? स्टर्नो क्लूडोमेस्टोइड। तो देखिए स्टर्नो मतलब स्टर्नम से अटैच कर दिया, क्लूडो मतलब क्लेविकल से अटैच कर दिया, मेस्टोइड मतलब इसे यहाँ पे हमें किससे अटैच करना पड़ेगा? मेस्टोइड प्रोसेस से। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं हम मेस्टोइड प्रोसेस। देखिए एग्जाम में मेस्टोइड प्रोसेस के अटैचमेंट्स पूछे जाते हैं कि मेस्टोइड प्रोसेस से कौन कौन से मसल्स अटैच होती है, मतलब क्या दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है स्टाइलोइड प्रोसेस, एक होता है मेस्टोइड, और दोनों के अटैचमेंट्स आपको याद करने हैं। बस कुछ नहीं, मसल्स और लिगामेंट्स के नाम याद कर लेना कि इन दोनों से कौन कौन सी मसल्स और लिगामेंट्स अटैच होते हैं। ओके, तो देखिए ये सारा का सारा हमने इसकी बाउंड्रीज, एंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री, एपेक्स, बेस और फ्लोर। तो ये फ्लोर ये हो गया, सारों के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली है। ओके, उसके बाद देखिए एक पॉइंट आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, हमने बोला ना स्टर्नोक्लूडोमेस्टोइड के दो एंड होते हैं नीचे की साइड, एक स्टर्नम वाला, एक क्लेविकल वाला। तो देखिए एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो देखिए आपको यहाँ पे भी एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, देखिए ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं हम सुप्रा क्लेविकुलर फोसा, मतलब ट्रायंगल है तो इसे क्या बोलेंगे? सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। देखिए और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है इंटरनल जुगलर वेन का, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा क्लिनिकल यूज होता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके इस ट्रायंगल के बारे में या इस फोसा के बारे में, और बात करेंगे पोस्टीरियर ट्रायंगल के कंटेंट के बारे में। तो देखिए ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।